इस बार फिर एक और साल निकल जाएगा, इस बार फिर एक नए साल की शुरुआत होगी। तुम्हारे जिंदगी का एक बेहतरीन हिस्सा फिर से ढल जाएगा और जिंदगी एक बार फिर से तुम्हें एक नया मौका देगी। दुनिया चल रही है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, नए नए इन्वेंशंस हो रहे हैं, नए नए स्टार्टअप हो रहे हैं, लेकिन तुम कहाँ खोए हो, अपनी तैयारी में या अपनी कमजोरी में रोते हुए। हर एक दिन निकल रहा है, एक एक मिनट, ये साल भी कुछ दिनों में ख़त्म होने वाला है। एक नए साल की शुरुआत होगी, तुम देखोगे कि कामयाब लोग और कामयाब होने लगेंगे, लोग तरक्की करेंगे। तुम कहाँ खोए हो इस दुनिया में, तुम क्यों परेशान हो इस दुनिया में, तुम क्यों मायूस हो इस दुनिया में, तुम दूसरों की तरह क्यों नहीं कर सकते, दूसरों की तरह ना सही तुम कुछ अलग क्यों नहीं कर सकते। तुम्हारे अंदर क्या कमी है, तुम्हारे अंदर क्या बुराई है, वो कौन सी चीज़ है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो तुम्हें सफल होने से रोकती है। तुम्हें विचार करना होगा, तुम्हें उस पर काम करना होगा। और तुम बस ऐसे ही मायूस होकर एक दिन गुजार रहे हो, कभी सोचते भी नहीं। एक बात ज़िंदगी में याद रखना, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई सपना नहीं, कोई एम नहीं, तो फिर तुम्हारा जीना बेकार है। तुम्हें खुद के लिए काम करना पड़ेगा, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। अब बस बहुत हो गया, तुम्हें एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी, तुम्हें खुद को बदलना ही होगा, तुम्हें कुछ बड़ा करना ही होगा। नहीं कर सकते तो तुम्हें सोचना पड़ेगा इस बारे में, आखिर कब तक तुम अपनी परेशानियों से जूझते रहोगे। अरे है कोई दिक्कत तो उसे दूर करो, अगर तुम दूर नहीं करोगे तो नया साल भी वैसे ही गुजरेगा जैसे कि ये साल गुजरा है। कुछ अलग करने की जिद लानी होगी तुम्हारे अंदर, तुम ऐसे मायूस बैठ नहीं सकते। अगले साल भी तुम्हारे साथ यही दर्द रहेंगे, अगले साल भी तुम्हारे साथ यही परेशानी होगी, अगले साल भी तुम्हारे साथ यही दर्द होगा, अगले साल भी तुम्हारे साथ यही प्रॉब्लम होगी। सिलसिला चलता ही रहेगा तब तक जब तक कि तुम इसे बदलने की सोचते नहीं। देखो दर्द, तकलीफें, परेशानी, ये सभी साथ लगी रहती हैं, लेकिन याद रखना इम्पोर्टेंट चीज़ इम्पोर्टेंट ही होता है। अगर तुम कुछ करोगे नहीं तो कुछ बदलेगा भी नहीं, अगर तुम आगे पैर नहीं बढ़ाओगे तो तुम आगे चल भी नहीं पाओगे। तुम्हें कदम उठाने ही पड़ेंगे, तुम्हें दौड़ना ही पड़ेगा, हार जाओ तो भी, गिर जाओ तो भी, लेकिन तुम्हें आगे चलना ही होगा। ये तुम्हारे ज़िंदगी की बात है, ये तुम्हारे भविष्य का सवाल है। उठो, चल पड़ो, बस बहुत हो गया, बहुत वक्त तुमने गुजार दिया, जिंदगी का लगभग एक तिहाई हिस्सा तुम खत्म कर चुके हो, कुछ वक्त और बचे हैं, तुम इसे बर्बाद ना करो। उठो और लग जाओ एक नई शुरुआत में, एक नई मंजिल की ओर। इसी तरह के नॉलेजेबल बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।